आज वर्ल्ड डे पे पूरी कंट्री में लगभग 30 मिलियन पीपुल्स के आसपास एड्स की चपेट में है। सबसे ज्यादा एड्स के पेशेंट अफ्रीकन कंट्रीज में है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादातर नशे का शिकार है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, और ये सब चीजें पेशेंट एक दूसरे को स्प्रेड होती हैं इन्हीं तरीकों से। जो एचआईवी है, इसका वायरस है, एड्स का वायरस एचआईवी है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसके बारे में आपको वर्ल्ड एक सेपरेट डे क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को इस दिन कम से कम इस चीज के बारे में पूरी तरह से अवेयर किया जा सके, लोगों को जानकारी दी जा सके। हमारे ज्यादातर युवा इसके लत का शिकार होते हैं। वैसे तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट कुछ और भी इसकी वजह है इसके फैलने की, जैसे कि सिरिंज का यूज करना बार बार। एक ही सिरिंज से कई पेशेंट्स को दे दिया जाता है इंजेक्शन। हमें भी नहीं पता होता है कि पेशेंट को एचआईवी है कि नहीं है, एड्स है कि नहीं है, बट इस चीज में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। आज के समय में हम लोग सेपरेट सिरिंज यूज करते हैं। डॉक्टर भी एड्स और एचआईवी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आजकल अवेयरनेस चलती है सबके बारे में, और बहुत से सोशल संस्थाएं हैं जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, और हम आपको भी इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई एचआईवी पीड़ित रहता है तो हमको उसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, दूसरी नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बीच का ही है, किसी कारणवश उसे हो गया हो सकता है उसने कहीं अस्पताल में इलाज कराया हो, उसको गलत ब्लड चढ़ा दिया गया हो, या कोई इन्फेक्टेड सीरिंज लग गई हो, या कुछ भी हो सकता है। मेनली हमारे देश में बस एक ही चीज मान ली जाती है जब किसी को एचआईवी वगैरह होता है, सिर्फ एक बोल कि उसने किसी ऐसे स्त्री के साथ संबंध बनाए हैं जो एचआईवी पीड़ित है, या मल्टी सेक्सुअल रहा है, मल्टीप्यूबल सेक्सुअल। तो जरूरी नहीं कि सबके साथ वैसा ही हो, ये अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो आगे बढ़े हैं, इसके फैक्ट्स हैं। एचआईवी फाउंड इन ब्लड एंड सेक्सुअल फ्लूइड एंड स्पेर्म्स। एचआईवी फाउंड इन ब्लड एंड सेक्सुअल फ्लूइड एंड स्पेर्म मेनली थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट एंड द शेयरिंग ऑफ हाइपोडर्मिक लेयर्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है ये, ठीक है, बट उसके नीचे एक और ऑप्शन दिया, शेयरिंग ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल्स, यानी एक दूसरे को लगाई गई नीडल्स का यूज करना और उसके सारे इक्विपमेंट्स, मतलब ये भी एक वजह है। द इन स्टेज ऑफ द वायरस एचआईवी, पेशेंट के हालात बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं अगर उसे कोई एक बीमारी लग गई। एचआईवी से पीड़ित पेशेंट को अगर कोई भी बीमारी हो जाती है वो क्योर नहीं होती जल्दी, क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक, फैक्ट, द फर्स्ट एड केस वाज डॉक्यूमेंटेड इन 1981 एंड एचआईवी हैज सीन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। इसका जो पहला केस आया था 1981 में डॉक्यूमेंटेड हुआ था एंड हैज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद से ये वर्ल्ड वाइड देखने को मिलने लगी। व्हेन ए पर्सन बिकम इन्फेक्टेड विद एचआईवी इट अटैक द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू इम्यूनो डिफिशियंसी, द इम्यून सिस्टम कैन नो लॉन्गर फाइट अ कॉमन जर्म एंड पैथोजेंस। यानी कि जब किसी भी पेशेंट को एचआईवी अटैक होता है तो उसका इम्यून सिस्टम
बहुत ही कमजोर हो जाता है और वो अदर पैथोजन से फाइट नहीं कर सकता है। In 2009, almost 2 million people died worldwide and the epidemic continues to spread. यानी कि 2009 तक 2 लाख लोग एड्स से पीड़ित होकर मर चुके हैं। ये एक पिक्चर क्लिप है नाइजीरियंस की, वो जो पिक्चर क्लिप पीछे दी गई थी, तो सबसे ज्यादा एड्स अफ्रीकन कंट्री से आया था, ये सब जगह स्प्रेड हुआ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन यूएन एड्स ऑफिस एस्टिमेट दैट ओवर 33% ऑफ एडल्ट आर द इन्फेक्टेड एचआईवी इन सम एरियाज ऑफ अफ्रीका। ठीक, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑफिशियली शो किया कि अफ्रीकन कंट्री का 33% युवा एड से पीड़ित है। एक मिनट, ये जो स्लाइड्स में रेड रेड दिखाया गया है ये वर्ल्ड वाइड एचआईवी इंफेक्शन को शो करते हैं। ठीक, एचआईवी अटैक योर टी सेल्स, ये जो टी सेल्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होती है और एचआईवी क्या करता है कि हमारी टी सेल्स को इंफेक्टेड कर देता है, ये उनके ऊपर अटैक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम किसी के पेशेंट का अगर लो हो जाएगा तो किसी भी बीमारी से लड़ने लायक नहीं रहेगा। ये पिक्चर है, We all have AIDS. ये वो लोग, वो पीपल्स हैं जो एड्स से पीड़ित हैं और इन्होंने प्रिकॉशन के साथ अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया है। ये कितना है? 240,000 आर बोर्न इनटू लाइफ विद द एचआईवी वायरस दैट इंफेक्शन इज 700 इस डे, यानी 240,000 लोग जो पैदा हुए वो एचआईवी के साथ पैदा हुए और 700 इंफेक्शन पर डे होते हैं। अब सोचो ये क्या हालात है, कैसे इसकी उम्र क्या होगी इस बच्चे की? ये उन लोगों के विक्टिम एग्री वेयर एड्स विक्टिम इन अफ्रीका, ये उन एड्स रोगियों की कब्रें हैं, ये विक्टिम है, उसी की गवाह है कि किस तरह से लोग एड्स से मर रहे हैं। 3.2 million children have a case of HIV AIDS. 3.2 million बच्चे AIDS से पीड़ित हैं वर्ल्ड में। In the what? Western world we have the drug and the special doctor to treat us, but in the poor countries they do not have the doctors, not the drug to cure them. मतलब डॉक्टर इलाज भी करते हैं मगर क्योर नहीं होता है वो। ड्रग्स टू क्योर एड्स, भाई देखो इन्होंने बताया तो एड्स जो है वो क्योर तो करता है बट अभी इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। ये एड्स के बारे में फुल फॉर्म डिफिशियंसी एचआईवी वायरस। ठीक, ये बाय यूजिंग कंटामिनेट इंजेक्शन नीडल्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्रग प्रेगनेंसी चिल्ड्रेन आर ब्रेस्टफीडिंग बिकॉज द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। ये जो ब्लड, ये जो कंटेमिनेशन होगा वो अगर मदर टू चाइल्ड जाता है तो उसमें देखो ब्लड स्पर्म एंड वेजाइनल फ्लूइड्स प्री सेमिनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। भाई अगर कोई मदर है
अगर उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो जाहिर सी बात अगर कोई एचआईवी पीड़ित महिला है, अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसके दूध में भी वायरस होगा क्योंकि फ्लूइड में हमारे, और दूध कहां से बनता है? मेम्ब्रेन ग्लैंड से। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे को ट्रांसमिटेड हो सकता है। यू डोंट हैव रिस्क आप बिकमिंग इन्फेक्टेड विद द वायरस, ये हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है। सलाइवा, व्हेन यू हैव एचआईवी वायरस बट आर नॉट सिम्प्टोमेटिक इट, यू आर सीरो पॉजिटिव। जब तक आप सीरो पॉजिटिव नहीं होते तब तक आपको कोई उसका दिखाई नहीं पड़ता है। सीरो पॉजिटिव ये वायरस है, ठीक, इसका